मध्य प्रदेश में जल्द ही 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। वही बता दें कि सिंधिया समर्थक इमरती देवी को शिवराज सरकार से बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने इशारों में बड़ा झटका दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री के आंगनबाड़ियों में अंडा परोसने की मांग को ठुकरा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला है। बता दें कि कांग्रेस की सरकार में रहते हुए भी इमरती देवी ने यह मांग की थी। उस वक्त विपक्ष में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर इसका विरोध किया था। बता दें कि इमरती देवी पिछले कुछ समय पर जिद पर अड़ी थी कि मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों में अंडा परोसा जाए। उनका तर्क रहा है कि चाहे कुछ भी कहे लेकिन आंगनबाड़ियों में अंडा जरूर परोसा जाएगा, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इशारों में यह संकेत दे दिया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं परोसे जाएंगे। सीएम ने भोपाल स्थित बीजेपी ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पीएम मोदी के बर्थडे पर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कुपोषण दूर करने के लिए दूध पिलाएंगे। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अंडा नहीं देंगे। सीएम ने फिर से कहा कि कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं दूध देंगे। जिक्र योग है कि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से मीडिया द्वारा इमरती देवी की मांग को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने गेंद सरकार के पाले में डाल दिया था। इमरती देवी की मांग पर कांग्रेस इस पर बीजेपी से सफाई मांग रही थी। वहीं सीएम शिवराज के इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि इमरती देवी को मुख्यमंत्री शिवराज ने आईना दिखाया है। सीएम ने इमरती देवी के आंगनबाड़ियों में अंडा परोसने के फैसले को नकार कर मंत्री को अपनी हद दिखा दी। इन दल बदलुओं को अब बीजेपी में वास्तविकता समझ आ रही है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।